डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो पहले हम होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स पे। तो कल का हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ओनली डाटा, तुम्हारे पास ऑलरेडी है। इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन वॉज ए स्क्वायर माइनस सेवन ए प्लस थर्टीन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस एट ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस लॉग टू द बेस हाफ ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो लाइज ऑन ईदर साइड ऑफ ओरिजिन, ठीक है? ये था हमारा, देन फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। तो उसने क्या बोला, इसके जो रूट्स हैं दे आर ऑन द ईदर साइड ऑफ ओरिजिन। तो इसने डायरेक्टली केस का लैंग्वेज तो बोला नहीं, ऐसा तो कोई हमारा स्टेटमेंट है नहीं किसी केस में कि रूट्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ ओरिजिन या रूट्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ के। तो अब हम इसको डीबग करेंगे। तो उसने बोला दोनों जो रूट्स हैं द बोथ रूट्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ ओरिजिन, इसका मतलब क्या है, एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा, या फिर हम ऐसे बोलो कि जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स। क्या बोला मैंने, दिस इंप्लाइज, क्या कंक्लूड निकला, जीरो लाइज बिटवीन द रूट, जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं दे आर ऑन द ईदर साइड ऑफ ओरिजिन, दैट मींस जीरो रूट्स के बीच में है। अगर जीरो रूट्स के बीच में है तो हमारा कौन सा केस हुआ बच्चों, केस वन, के लाइज बिटवीन द रूट, वेयर के इज जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, सिंपल, ए इंटू एफ ऑफ के should be less than zero. A मेरा क्या होगा? A is what? X square का coefficient in the quadratic. And which here it is? A square minus 7A plus 13. तो मेरे को क्या मिला? A square minus 7A plus 13. This is A. Into F of K. Okay, मेरा क्या है इधर? Zero. तो F of zero less than zero. इसको further किया हमने solve. तो देखो क्या आया? A square minus 7A प्लस 13 इंटू एफ ऑफ जीरो, जीरो रखूंगा तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये बचेगी बस। तो ये हो गया हमारा लॉग ऑफ, लॉग टू द बेस हाफ, और इसका आर्ग्यूमेंट है ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन, दिस शुड बी लेस देन जीरो। अभी हमारा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना? अब क्वाड्रेटिक वाला पार्ट खत्म, अब हमारा इनइक्वालिटी हो गया जिसमें लॉग भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक पे फोकस करते हैं। इफ यू नोटिस इट केयरफुली, इसका डी देखो क्या है, एक मिनट के लिए मैं डी देखता हूं। मैंने कहा डी इज बी स्क्वायर विच इज 49 माइनस 4 इंटू 13, तो 4 इंटू 13 जो होगा कितना हो जाएगा, 40 प्लस 12 52, और ये 49 है, तो हमारा डी कितना आया, नेगेटिव आया। हमें साइन से मतलब है केवल, अभी मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा, वी वॉन्ट ओनली साइन ऑफ डी। इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, ठीक है? और जो कोफिशियंट है ए स्क्वायर का, दैट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो पैराबोला होगा क्वाड्रेटिक ए में, बोल रहा हूं मैं, अगेन इस क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आई एम एनालाइजिंग दिस ओनली नाउ। सो ये क्वाड्रेटिक है, पहली बात तो ए वेरिएबल में, उसका डी नेगेटिव है, प्लस ए स्क्वायर जो उसका कोफिशियंट वन है, मतलब क्या हो गया, ये जो पैराबोला आएगा वो पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक है दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल ए, ए कुछ भी रखो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब ये अगर हमेशा पॉजिटिव है तो क्या कर सकता हूं मैं, इसको मैं जीरो के पास लेके जा सकता हूं। मैंने बताया था इनइक्वालिटी में वंस वी नो कि कोई फैक्टर हमेशा पॉजिटिव है हमेशा नेगेटिव है, तो मैं उसको जीरो के पास भेज सकता हूं। अगर पॉजिटिव है तो साइन विल रिमेन द सेम, अगर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, बट वी शुड मेक श्योर कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है फर्स्ट, ठीक है ना? तो इसको मैं जीरो के पास भेज सकता हूं, द रीजन इज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। तो मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, देखना। तो अब हमने क्या लिखा कि ये जो अब हमारा ये जीरो के पास चला गया, तो वी आर लेफ्ट आउट विद दिस पार्ट, तो ये हो गया लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन टू द बेस हाफ इज लेस देन जीरो, ठीक है? अब आते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में पढ़ाया था क्या, देखो इधर पहले लिख लेते हैं, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी अगर ग्रेटर देन सी है, ठीक है, लेस देन सी या ग्रेटर देन, तो हम दो चीजें हो सकती है, या तो ए इज ग्रेटर देन बी की पावर सी और ए इज लेस देन बी की पावर सी, वो डिपेंड किस पे करता है, बेस पे। अगर बेस वन से बड़ा है
तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम हियर, और साइन इनइक्वालिटी चेंज हो गया इधर बिकॉज द बेस इज लेस देन वन. इधर लिख लो भले जिसको लिखना है, दिस इज बेस इज ग्रेटर देन वन एंड बेस इज लेस देन वन. ठीक है. अच्छा तो अब इधर मेरा बेस क्या हाफ है विच इज लेस देन वन, तो हम क्या करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे. तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन इज ग्रेटर देन, ध्यान रखना डोंट मेक अ मिस्टेक, पूरा आंसर चेंज हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है ना, थोड़ा सा भी आंसर नहीं आएगा, पूरा आउट ऑफ सेट हो जाएगा. अगर मान लो आंसर 5 से इंफिनिटी है तो तुम्हारा माइनस इंफिनिटी से 5 आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी. तो अब ये क्या हो जाएगा लेस देन हाफ की पावर जीरो विच इज, चलो लिख लो पहले हाफ की पावर जीरो. ठीक है, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन इज ग्रेटर देन वन. तो फर्दर अब करो, तुम लोग कॉपी करते जाना. ठीक है, अब मैं क्या बोला वन को इधर लेके आते हैं तो ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस एट इज ग्रेटर देन जीरो. तो फाइनली अब इसके रूट्स निकाल लें. वैसे तो ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो यू कैन सॉल्व इट बाय दैट फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. मेरे को फॉर्मूला इधर दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट इज एट सम इज सिक्स, तो रूट क्या होंगे टू एंड फोर. तो इसको लिख लेंगे ए माइनस टू इंटू ए प्लस ए माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो. फिर रूट्स प्लॉट के नंबर लाइन पे टू इधर आएगा राइट में इसके फोर आएगा, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बिकॉज दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ए का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन चाहिए तो मतलब हमारा इंटरवल ये हो गया. सो फाइनली द आंसर इज माइनस इंफिनिटी से टू यूनियन फोर से इंफिनिटी. दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ ए सच दैट उस क्वाड्रेटिक में के जो रूट्स होंगे ना दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन जीरो. ठीक है ना, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा. ठीक है चलो. अच्छा जैसे एक चीज तो ये हो गई, अब सुनना एक और मेथड से बताऊंगा. जैसे मैं पहले भूल भी गया था, एक बार मैंने बोला था इस टाइप का एक और क्वेश्चन किया था हमने जब पढ़ा था केस वन कि जीरो इज लाइन बिटवीन द रूट्स, तो मैंने उधर बोला भी था आई विल डिस्कस विद मेथड टू, तो जल्दी जल्दी मैंने बता नहीं पाया था. अब देखो ये तो हो गया लोकेशन ऑफ रूट से ये क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा अब मैंने बोला विदाउट लोकेशन ऑफ रूट्स एक बार सोचते हैं कैसे करेंगे. एक बार तुम लोग वीडियो पॉज करके सोचो, कीपिंग दैट इन माइंड कि बोथ द रूट वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव, तो क्या कंडीशन लगाऊं मैं. आई एम सेइंग नाउ दिस इज मेथड टू, दिस इज मेथड टू. एक बार मैं दोबारा वो लिख लेता हूं हमारा क्वाड्रेटिक. तो क्वाड्रेटिक वॉज ए स्क्वायर माइनस सेवन ए प्लस थर्टीन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू माइनस एट ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ टू द बेस हाफ ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो. मैंने क्या बोला विदाउट लोकेशन ऑफ रूट्स इफ आई वॉन्ट टू सॉल्व इट हाउ टू प्रोसीड. तुम लोग वीडियो पॉज करके ये दो मिनट के लिए सोचो. ठीक है ना, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं. मैंने बोला अगर दोनों एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है तो मैं मैथमेटिकली क्या इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकता हूं. देखना मैं क्या लिख रहा हूं, एक रूट अगर पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है तो आई कैन राइट अल्फा इंटू बीटा इज लेस देन जीरो बिकॉज अगर अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा नेगेटिव होगा. तो बस यही चीज यूज कर लेते हैं. और अल्फा इंटू बीटा हमें पता है क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट उस क्वाड्रेटिक का कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये जो मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट. पहले लिख लो प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो ये हो जाएगा मेरा सी बाय ए. तो सी का काम ये कॉन्स्टेंट करेगा लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन टू द बेस हाफ अपॉन ए स्क्वायर माइनस सेवन ए प्लस थर्टीन, दिस शुड बी लेस देन जीरो. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट इज नेगेटिव. अब सिमिलरली अब तो पहले वाली इनइक्वालिटी की तरह कन्वर्ट हो गया. उधर क्या था हमारा ये फैक्टर न्यूमरेटर में लिखा था बस इतना ही अंतर था, और अब चाहे डिनोमिनेटर में लिखा हो तो भी चलेगा. क्या करें अब हमें पता है कि इसका डी तो नेगेटिव है अभी देखा था हमने, तो इसको तो हम जीरो के पास भेज देते हैं. तो हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन टू द बेस हाफ लेस देन जीरो. अब इसके बाद तो हमारा प्रीवियस की तरह हो गया. ठीक है, इसके बाद अब मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी कर चुका है. ठीक है, समझ में आया क्या फैक्ट यूज किया. इफ बोथ इफ वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट ऑफ नेगेटिव तो यू कैन कीप इन माइंड ऑल्टरनेट कंडीशन इन द माइंड कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इज नेगेटिव, या तो फिर वो करो एफ ए इन टू एफ ऑफ जीरो इज नेगेटिव. ठीक है ना. चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन पे, और मैंने बोला था नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था उसमें क्या बोला, पहले क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं. आई एम राइटिंग ओनली डेटा पार्ट. Find set of values of p for which the quadratic equation
माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स माइनस फोर पी इज इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट. क्या बोला उसने? हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट. तो लिख लेते हैं इसको. पहले मैंने बोला एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट. और मैंने बताया था एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम. हिंदी में नहीं क्या होता है एटलीस्ट का, कम से कम. तो ये बोल रहा है कि पी की वैल्यू निकालो सच दैट इसका कम से कम एक रूट पॉजिटिव आए. तो कभी भी थ्रू आउट द मैथमेटिक्स इस वर्ड को हम क्या करेंगे एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे. क्या बोलेंगे? एटलीस्ट मतलब क्या हो जाएगा? एटलीस्ट वन मतलब देखना मैं क्या लिख रहा हूं. एग्जैक्टली वन पॉजिटिव और बोथ पॉजिटिव. क्लियर है? देखो क्या लिखा है. एग्जैक्टली एक पॉजिटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? एटलीस्ट वन पॉजिटिव हो जाएगा. तो चलो अब हम पहले, दिस इज माय केस वन एंड दिस इज माय केस टू. ठीक है, दिस इज ऑल्सो माई फेवरेबल केस एंड दिस इज ऑल्सो माई फेवरेबल केस. तो उन दोनों को सॉल्व करके उन दोनों का यूनियन ले लेंगे हम. क्लियर है बच्चों? चलो तो पहले मैं आ रहा हूं एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट पे. तो मैंने बोला एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट है, इसका मतलब क्या है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है. क्या बोला मैंने? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. ये लेट से पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो ये अभी हमारा प्रीवियस की तरह कन्वर्ट हो गया. जीरो इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, या फिर ऐसे बोल दो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज नेगेटिव. बोथ वे यू कैन डू. क्या बोला मैंने कि एग्जैक्टली वन रूट इज पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ? एक पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव हुआ. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मतलब जीरो इज लाइंग बिटवीन द रूट्स. तो लोकेशन ऑफ रूट से क्या बोल सकते हैं? ए इंटू एफ ऑफ जीरो नेगेटिव है. या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट इज नेगेटिव. तो बोथ वे यू कैन डू, बोथ आर इक्विवेलेंट. तो लेट से मैं ए एफ जीरो कर रहा हूं. मैंने बोला ए इंटू एफ ऑफ जीरो, ये अभी मैं केस वन सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है ना? ए इंटू एफ ऑफ जीरो इज नेगेटिव. और यू कैन डू प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज सी बाय ए इज नेगेटिव. बोथ वे यू कैन डू. बेसिकली देखो है ये एक ही इनइक्वालिटी. ये मैंने क्या लिखा? प्रोडक्ट ऑफ रूट. ये क्या लिखा? ए एफ के जीरो. तो देखो ए तो आ ही रहा है और हमें पता है सी बेसिकली क्या होता है. हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ ऑफ जीरो क्या होगा जब उसमें जीरो रखेंगे? तो एफ ऑफ जीरो बेसिकली क्या होता है? सी ही तो होता है. तो एक ही चीज लिखी है कायदे से देखा जाए. इफ यू नोटिस इज क्लियरफुली एफ ऑफ जीरो इज नथिंग बट सी ओनली. अब चाहे दो फैक्टर ऐसे लिख रहे हो चाहे डिनोमिनेटर में लिखो, प्रोसीजर तो सेम होता है. बस हम वो पार्ट हटा देते हैं जब डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होता है. क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? जैसे मैंने लिखा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो, इसको सॉल्व करो. या फिर x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इसको सॉल्व करो. वन एंड द सेम प्रोसीजर सेम होगा. वन और टू रोकेट करेंगे, फिर देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर देखेंगे क्या पूछा है. लेस देन पूछा है तो वन और टू के बीच में आएगा. तो देखो ये और ये इट इज इक्विवेलेंट. क्लियर है? तो अब हम करते हैं इसको. तो मैंने बोला a इंटू एफ ऑफ जीरो, तो a का काम कौन करेगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज p माइनस फाइव. तो p माइनस फाइव इंटू एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा मेरा? इसमें जीरो रखूंगा तो ये जीरो, ये जीरो, ये कितना है? माइनस फोर पी. तो माइनस फोर पी ए इंटू एफ ऑफ जीरो इज नेगेटिव. अब इधर माइनस साइन है तो इसको उधर भेजने के लिए क्या करें? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं. तो ये हो जाएगा मेरा p माइनस फाइव इंटू पी इज ग्रेटर देन जीरो. फोर को भी भेज दिया मैं, फोर तो एक पॉजिटिव. ऐसे बोल दो ऐसे बोल दो नहीं तो माइनस फोर से डिवाइड कर दिया. वन एंड द सेम थिंग, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज. अब ये तो बहुत बच्चों टाइप हो गया. ये जीरो है, ये फाइव है, तो ग्रेटर देन जीरो मतलब ये वाला रीजन आ जाएगा हमारा. ये रीजन आ गया हमारा. क्लियर है बच्चों? समझ में आया? सो दिस इज माय आंसर फॉर पार्ट केस वन. अब मैं केस टू की तरफ जाता हूं. तो तुम लोग वीडियो पॉज करके पहले इतना कॉपी कर लो. ठीक है, अब मैं केस टू की तरफ मूव कर रहा हूं. तो केस टू क्या है? बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. अब बोथ रूट्स आर पॉजिटिव है, ये भी डायरेक्टली तो नहीं है, मतलब कोई केस से रिलेट नहीं हो रहा है. तो बट इसको हम डिबग करके हम केस के स्टेटमेंट में लेके आएंगे. मैंने बोला बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ, दिस इज माय केस टू, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. दोनों रूट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? जीरो इस साइड आएगा तभी तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे. अब मेरा यह क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें? केस में कन्वर्ट हो गया कि जीरो इज लेस देन बोथ द रूट. क्या बोल रहा हूं मैं? दिस इंप्लाइज जीरो इज लेस देन बोथ द रूट्स. जीरो इज लेस देन बोथ द रूट्स. क्लियर है? अच्छा, अब
हो गया, जीरो इज लेस देन बोथ द रूट्स। तो अब हमारा ये कौन सा केस कन्वर्ट हो गया, दिस इज अवर केस फोर्थ, क्या था, के इज लेस देन बोथ द रूट, के इज लेस देन बोथ द रूट्स। तो इसमें हमारा क्या आता था, लेट्स से ये मेरा अल्फा बीटा है, ये मेरा के है, ये मेरा के है। तो इसमें हमारी तीन कंडीशन होती थी, क्या क्या, एक तो के आउटसाइड द रूट्स है, इसलिए ए एफ के इनटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो। दूसरा होता था सिंस रूट्स आर रियल, सो डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और थर्ड वाली होती थी के इज लेस देन वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज माइनस बी बाय, तो के इज लेस देन माइनस बी बाय टू ए। इन तीनों का इंटरसेक्शन इज व्हाट माय आंसर फॉर केस टू। केस वन का आंसर तो आ गया, केस टू का निकालेंगे और उन दोनों का यूनियन लेंगे। तो चलो निकालते हैं, तो पहले इसको मैं रब कर रहा हूं, इसका मैं आंसर इधर साइड में लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये वाला जो आंसर आया हमारा आया माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन फाइव से इंफिनिटी, दिस इज आंसर फॉर केस वन, आंसर फॉर केस वन। अब चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, देखना। तो क्या बोला मैंने, पहले ए एफ के, तो ए क्या है मेरा पी माइनस फाइव इंटू एफ ऑफ के, एफ ऑफ जीरो, तो ये आया माइनस फोर पी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने लेस देन जीरो किया था तो ये इंटरवल आया, अगर ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट आएगा, मतलब जीरो से फाइव आएगा, नहीं तो करके देख लो, चलो कर ही लो, एक काम करो, पी माइनस फाइव इंटू माइनस फोर से डिवाइड किया तो इंटू पी इज लेस देन जीरो, तो दिस विल गेट जीरो, दिस विल गेट फाइव, तो ये हमारा रीजन आ गया। दिस इज व्हाट केस टू का के अंदर जो तीन कंडीशन है उसमें पहला वाला आया अभी, दिस इज नॉट द आंसर फॉर केस टू। अभी हमें बाकी दो सॉल्व करके उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, केस के अंदर तो इंटरसेक्शन आएगा, जो केसेस का आंसर आएगा वो यूनियन होगा, मतलब केस वन और केस टू का जो फाइनल आंसर है उन दोनों का यूनियन लेंगे हम, बस केसेस के अंदर तो इंटरसेक्शन लेंगे ना, जैसे लिखा है इधर तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन। तो ये तो हो गया मेरा कंडीशन वन। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते हैं, तो डी ग्रेटर देन करोगे तो क्या आएगा, फोर पी स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा, इंटू फोर पी इंटू पी माइनस फाइव, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो एक बार सही लिखा है क्या, बी स्क्वायर, ये फोर पी स्क्वायर है, फोर पी स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर फोर सिक्सटीन पी इंटू पी माइनस फाइव, परफेक्ट है। ये क्या किया मैंने, बेसिकली डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया है। तो इधर से आया, देखो एक फोर से तो फोर कैंसिल करके जीरो के पास भेज दिया, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस, चलिए कम करो, पी कॉमन ले लो, पी कॉमन लिया तो इधर से बचा पी प्लस, इधर से फोर पी और ये पी गया, तो माइनस ट्वेंटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फाइनली यू आर गेटिंग पी इंटू फाइव पी माइनस ट्वेंटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसके रूट्स क्या है, एक तो जीरो है और ट्वेंटी बाय फाइव मतलब फोर है, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला इसका मतलब आउटसाइड द रूट्स, तो ये मेरा आ गया रीजन, ठीक है। अच्छा, अब मैं कर रहा हूं थर्ड कंडीशन इसी केस के अंदर, दैट इज के इज लेस देन माइनस बी बाय टू ए, के इज लेस देन माइनस बी बाय टू ए, के इज लेस देन माइनस बी बाय टू ए, और के क्या है मेरा बेसिकली जीरो है, तो जीरो इज लेस देन माइनस ऑफ बी, और माइनस ऑफ बी कितना जाएगा, माइनस ऑफ माइनस टू बी, ये प्लस हो गया टू पी अपॉन ए विच इज पी माइनस फाइव। तो अब इस ये क्या हो गया, बेसिकली ये लिखा है पी अपॉन पी माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स को प्लॉट किया तो ये जीरो ये फाइव, तो ये हो गया हमारा ए वाला रीजन, ठीक है। अब देखो इसको एक मिनट के लिए भूल गए, इसका और इस हमें क्या करना है, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है ना, बेसिकली इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा केस, आंसर फॉर केस टू। अब देखो नोटिस इट केयरफुली, जो ये इसके अंदर ये वाला इनइक्वालिटी, इसका आंसर और इसका आंसर कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, ये तो बोला जीरो फाइव के बीच में, इवन देर देर इज नॉट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना, ओपन है, इधर भी ओपन है, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन फाइव आ रहा है, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा फाइव, तो केस टू का आंसर क्या हुआ हमारा, केस टू का आंसर इज फाइव। तो अब फाइनल आंसर क्या लिखूंगा मैं, केस वन और केस टू का यूनियन, एंड सिंस इट इज फाइव देयरफॉर फाइनल आंसर इज दिस ओनली, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन फाइव टू इंफिनिटी। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली केस तो आया नहीं, पहले तो हमें एटलीस्ट को एग्जैक्टली में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर वो हमारे दो अलग अलग केसेस आए, ठीक है ना, और वो भी जो दो केसेस आए थे डायरेक्टली केसेस की लैंग्वेज नहीं आई, उसको हमने मैथमेटिकली डीबग किया था कि किस केस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर है बच्चों। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं,
देखो एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूँ सेम सेम चीज का, तो दैट प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम लैंग्वेज है, बस क्वाड्रेटिक डिफरेंट है। ठीक है, तो एक बार खुद से करना, मैं एक बार लिख रहा हूँ इधर, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट। मैं बीच में ही लिख रहा हूँ, आखिरी भी आखिरी में नहीं दूंगा, जैसे जैसे मुझे लगेगा बीच में मैं देते जाऊंगा, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि रिपीट हो रहा है दैट आई विल गिव यू होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ओनली डेटा इज डिफरेंट, कंसेप्ट एक्जैक्टली सेम है। द क्वेश्चन इज फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज, फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज of small a for which the equation x square minus a minus 5 into x plus a minus 15 by 4 equals to 0 has at least one positive root। सेम लैंग्वेज है, बस क्वाड्रेटिक डिफरेंट है। ठीक है, इसमें वही करना है, एटलीस्ट को तुम क्या कन्वर्ट करोगे एग्जैक्टली में, तो एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट मिला। दो संभावना है, दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो एग्जैक्टली एक पॉजिटिव हो, तो अगर एक पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या, दूसरा नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, जीरो इज लाइंग बिटवीन द रूट, ये हो गया हमारा केस वन। या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, जीरो दोनों रूट से छोटा होगा, तो के इज लेस देन बोथ द रूट्स, तो केस टू हो गया। ठीक है, इसका आंसर तुम लोग मुझे बताना। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बताता है तुम में से। ठीक है, इसको सॉल्व करके चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो ये भी ठीक है थोड़ा, फाइंड all values of a for which the equation for find all values of small a for which I'll change the pen for of a for which the equation forward the equation 2x square minus twice of 2a plus 1 into x plus a into a plus 1 equals to 0 has two roots, one is greater than a, one of which is greater than small a and other is smaller than a। ठीक है, तो अब है इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले काम क्या करो, तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है ना, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा सीखने मिलेगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो देखो क्या बोला है उसने, ये क्वाड्रेटिक दिए, ए इज अ पैरामीटर जिसकी वैल्यूज निकालनी है मुझे, उसमें इसके दो रूट्स हैं, जिसके दो रूट्स हैं। तो लेट से ये पैराबोला है, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अब उसने बोला है जो एक रूट है वो ए से बड़ा है मतलब, और एक रूट छोटा है, तो मतलब ए मेरा यहां आ रहा होगा। ये देखो अल्फा जो है ए से छोटा हो गया, बीटा क्या हो गया, ए से बड़ा हो गया। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक है, तो ये केस किस में कन्वर्ट हो गया, केस वन में ही है ना, के इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, के का काम कौन करेगा, ए। मैंने क्या बोला, ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा कंडीशन, a into f of k ऐसे लिख लो, केस वन दैट इज ए इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, ए इज लाइंग, वैसे के लिखते हैं हम जनरली सेंटर्ड में, उसमें के इज लाइंग बिटवीन द रूट्स। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए इंटू एफ ऑफ के दैट शुड बी नेगेटिव। अब के का इधर काम कौन कर रहा है, के बीच में आता था ना, इधर के की जगह क्या है, स्मॉल ए, तो के की जगह तो स्मॉल ए रखना है, और जो ए होता था हमारा स्टैंडर्ड में दैट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच हियर इट इज 2 ही है, तो ये तो और आसान हो गया, 2 दिस इज अवर 2, तो 2a शुड बी 2 इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो चलो अब वैल्यू प्लस करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं पैराबोला को, देखना। तो 2 इंटू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कैसे आएगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज माई एफ एक्स, तो एफ ऑफ टू क्या आएगा, ए कैसे आएगा,
इधर लिख लो f ऑफ a इज लेस देन 0, तो 2 इनटू f ऑफ a इसमें a रखो तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 2a प्लस 1 इनटू a प्लस a इनटू a प्लस 1, दिस हैज टू बी लेस देन 0, बस अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमें, तो बहुत आसान है, 2 को तो पहले गायब कर देते हैं, 0 के पास भेज देते हैं, अब देखना अंदर क्या बचा, चलो पूरा ओपन करते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 2 टू द 4a इनटू a 4a स्क्वायर, फिर ये माइनस 2a प्लस ये वाला a स्क्वायर प्लस a इज लेस देन 0, अब हमारा 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, और अच्छा ये भी एक a स्क्वायर लिखा है, तो माइनस 2a स्क्वायर 2a 3 माइनस a स्क्वायर और माइनस 2a प्लस a माइनस a इज लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया और a कॉमन लिया तो a इंटू a प्लस 1 क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्या किया लिख लो इधर, नहीं तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, सो ये आया हमारा, अब इसको लोकेट किया देख लें एक बार, हाँ ठीक है, तो दिस इज माइनस 1 दिस इज 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या चाहिए मुझे ग्रेटर देन, तो मेरा आंसर क्या हो गया ये वाला रीजन, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 0 टू इंफिनिटी, क्लियर है बच्चों समझ में आया, तो वीडियो पॉज करो कॉपी करो, अब हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।